काली अंकल, हम गलती से यहाँ आ गए, हमें प्लीज जाने दीजिए ना। ठीक है ठीक है, हाँ अगर जाना है तो जाओ, लेकिन पहले हमसे लड़ो, हमें हराओ, फिर जाओ। वेरी सिंपल। लेकिन तुम हमसे लड़ोगे कैसे है? हमारे पास दांत हैं, हमारे पास नाखून हैं, हिम्मत है, लोग हैं। तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। माँ देख लो से कौन कहला ना ता पकर के अछि माँ, माँ अछि माँ, माँ क्या माँ कौन करी थाए ना माँ पिलारो समस्त समस्या को समाधान कर थाए, जे भली माँ सब समस्त समस्या रो समाधान करी थाए, पिला कहाँ माध्यम रे भाव प्रकट कला ना मातृभाषा माध्यम रे प्रकट कला। भाषा कहाँ को कहा जाए ना भाव प्रकट करिवारो सर्वोत्कृष्ट माध्यम हो जी के भाषा, भाषा समस्या समाधान करिवारो माध्यम भी भाषा, तेणुकर पिलाटी को भाषा रे कहला ना मातृभाषा रे ही कहला। ठीक अच्छे आर्यवर्त भारत वर्षरे जत्ते सब भाषा अच्छा समस्त भाषार जननी किए ना संस्कृत भाषा, से क्या संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज। आम से संस्कृत भाषा को शिखा को हेले आमको कौन दरकार ना सबुठू इम्पोर्टाट कारक ज्ञान होगा दरकार। आज जो टॉपिक आम पढ़ा तार ना कौन ना कारक, कारक आज जस्ट पढ़ी परिचय पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ कारक। ठीक अच्छे चलो देखियो फास्ट कारक शब्दर व्युत्पत्ति, कारक शब्दर व्युत्पत्ति कौन ना क्रि धातु णुल प्रत्यायात कारक इति शब्द निष्पद्यते। क्रि धातु णुल प्रत्ययरु कारक शब्दर उत्पत्ति, से कारक कहा को कहा जाए ना क्रियान्वयितम कारकत्वम, क्रियान्वयितम कारकत्वम माने कौन ना बाक्ये क्रियया साकम जस्य पदस्य साक्षात संबंध वर्तते तद्भवति कारकम। वाक्य रे क्रियापद सहित जो पद मानकर साक्षात संबंध थाए ताकु कौन कह जाए ना कारक कह जाए। ठीक अच्छे ये कारक केते प्रकार ना चलो गोटे श्लोक माध्यम रे हम जा कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्, अर्थात षट कारकाणि कौन कौन ना देखो कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक एवं अधिकरण कारक। ठीक अच्छे तार कारक केते हेले ना कारक छ। चलो देखियो से कारक को विभक्ति रे कारक एवं विभक्ति देखो कारक एवं विभक्ति अंगा अंगी भाव रे निर्भर अंगा अंगी रूप रे जड़ित, अंगा अंगी रूप रे जड़ित तेणुक आम पूर्व कालांश फास्ट कौन पढ़े ना विभक्ति, कारक को पढ़ा कहले विभक्तिर ज्ञान अत्यंत आवश्यक। कारक कहीं पढ़वा ना देख आमर पद है दुई प्रकार सुप तिंगंत आदि पदम से कह जाए सुबंत एवं तिंगंत, सुबंत क्या कह जाए ना शब्द रूप एवं तिंगंत मान कौन क्रिया बा धातु। ठीक अच्छे से जो सुबंत आदि पद मानकर व्यवहार उत्तम रूप से करने ना कारकर प्रयोग करा जाए, से कारक प्रयोग करने को फास्ट विभक्तिर ज्ञान दरकार तेणुक कारक एवं विभक्ति अंगांगी भाव जड़ित। देख कौ कारक कौ विभक्ति ना प्रथम कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, संबंधे षष्ठी, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, अंतिम कौन ना संबोधन। जो संबोधन कारक कर्ता कारक आसो प्रथमा विभक्ति जो आम पढ़ा कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति ये संबोधन चौथी सूत्र रे प्रथमा विभक्ति रे संबोधन व्यवहार हुए। ठीक अच्छे ये कारक को बुझाक हेले चलो प्रथम गोटे वाक्य लिखा एवं से कारक मानकर व्यवहार के भाई ब्रीफली कालांशे आम चर्चा करवा। गोटे कथा कही रखी भिडियो को आपड़ शेष पर्यटन निहाती देखिए कारक विषय आपंकर डाउट रही जदि भिडियो पसंद लगता है निहत लाइक करेंगे मोर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं ये भिडियो सांग मानक सेयार करने को बिलकुल भी भूलिबे नहीं। चलो आरंभ कर फास्ट सेन्टेन्स देख वाक्यटी कौन ना दशरथस्य पुत्रः रामः धनम हस्तेन ब्राह्मणेभ्यः कोषात् राजप्रासादे ददाति। देख
ए वाक्यटी रे आमे कौन ना प्रथमे गोटे ही क्रियापद बा धातु अछि भर्ब ददाति ए धातु ए क्रियापद सहित ए समस्त पद मानकर कौन संबंध एवं क्यों कारक रे जिबे ए सेंटेंस रे ही चर्चा करिबा ठीक अछि। ए वाक्यटी रे समस्त कारक अछन्ति एवं ता सहित कौन ना संबंध भी अछि ठीक अच्छे। चलो देखिए फास्ट क्रियापद सहित मानकर कौन कौन संबंध ना आम कही पार फास्ट दशरथ से पुत्र ददाति राम ददाति धनम ददाति हस्तेन ददाति ब्राह्मणेभ्य ददाति कोषात ददाति राजप्रासादे ददाति। देख ये ददाति क्रियापद ये समस्त पद मानक सहित तो कौन संबंध अच्छी ना प्रथम गोटे कथा लक्ष्य करिवे प्रथमे मु कोन कहली ना दशरथ सिय पुत्र ददाति मु दशरथ सिय ददाति कहली कि कहली नै काहेकि ना ए पदटी षष्ठी विभक्ति रे अछि षष्ठी विभक्तिर क्रियापद सहित साक्षात संबंध नथिबारु षष्ठी विभक्ति कार संस्कृत व्याकरण कारक रे गणा नै ठीक अछि। तापर कौन आम कही पुत्र ददाति कहीपरिया राम ददाति कहीपरिया धनम ददाति हस्तेन ददाति ब्राह्मणी ददाति कोषात ददाति राजप्रसाद ददाति आम कहीपर कहीं ये सब पद मानक क्रियापद सहित साक्षात संबंध रोच। चलो देखा कौ पद कौ कारक आसुंच प्रश्न आम कौन कर चलो देखा देख पद प्रथम आम कौन आसीपर प्रथम व्यक्ति पुत्र ददाति हो पार राम ददाति हो पार किंतु राम ददाति कहींपर पुत्र ददाति कहींपर ना एमाने प्रथम विभक्ति जाऊँगी कहीं ना एमकर क्रियापद सहित तो साक्षात संबंध अच्छी तेणुक साक्षात संबंध थी ये कारक गणा ठीक अच्छे किंतु आम पद कौन आस प्रथम विभक्ति पुत्र आसपार राम आसपार किंतु राम ही हम कर्ता कहीं ये दशरथ से पुत्र ही राम तेणुकर ये कर्ता कारक पुत्र आसबना राम ही हम कर्ता ठीक अच्छे। ये कर्ता कारक प्रथम अभिव्यक्ति सूत्र कौन ना स्वतंत्र कर्ता ये राम ही स्वतंत्र राम ही दान करुच्छे तेणुक राम ही कर्ता कारक प्रश्न कौन हम आम कहीपर हु गिवस किए दौची ना राम ददाति प्रश्न कौन हम संस्कृत ना कह ददाति क ये बुझेगा प्रथम अभिव्यक्ति कम सरीगला प्रथम पद कम सरीगला एवं जीवा द्वितीय पद कौन ना धनम ददाति धनम ददाति कहीं ए पद सहित ददातिर साक्षात संबंध रोच तेणुक ये भी कारक गणा ना ये धनम ददाति कौ विभक्ति जीव ना द्वितीय विभक्ति जीव धनम द्वितीय विभक्तिर कारक कौन ना कर्म कारक कर्मकारक सूत्र कौन ना कर्तुः ईप्सित तमम कर्मम माने कर्ता जहाँ को अति इच्छार सहित कार्य करिथाए ताहा को ही कर्म कहा जाए। राम कर्ता कि राम कौन करुचि ना धन दान करुचि तने धन ही हम कर्म ठीक अच्छे। धनम ददाति द्वितीय व्यक्ति क्वेश्चन कौन हम किम ददाति द्वितीय व्यक्ति कौन कर्मकारक किम ददाति ये बुझेगा। तापर जीवा नेक्स्ट वार्ड कौन ना हस्ते न ददाति देख हस्ते न ददाति ये भी क्रियापद सहित साक्षात संबंध रोचे ताली ये भी हम कारक तेणुक ये कौ कारक ये कौ विभक्ति अच्छी ना तृतीय विभक्ति हस्ते न हस्त शब्दर तृतीय विभक्ति हस्ते न तेन ये तृतीय विभक्ति गणा हस्ते न तृतीय विभक्तिर कारक कौन ना करण कारक तार सूत्र कौन ना साधकतम करणम माने जहाँ मध्यम आम करवा जहाँ द्वारा करवा तहार ही तृतीय अभिव्यक्ति हम माने ये धन कौ का द्वारा दौची ना हाथ रे दौची हाथ द्वारा दौची तेणुक हाथ रे तृतीय अभिव्यक्ति हम ठीक अच्छे। एमती आम लिखुंट कौन आम पेन द्वारा लिखुंट ना तेना साधक तमम करण माने कौन साधन कौन ना पेन लिखनी लिखनी रही तृतीय अभिव्यक्ति हम अम लिखनिया लिखामी ठीक अच्छे। साधक तमम करण माने इंस्ट्रूमेंट माने कार्य करिवारो इंस्ट्रूमेंट कौन ना हाथ हस्ते न ददाति तृतीय विभक्ति तृतीय विभक्ति क्वेश्चन आम कौन कर हस्ते न ददाति माने के न ददाति क्वेश्चन है तृतीय विभक्ति क्वेश्चन कौन
केन ददाति केन हले तृतीय विभक्ति चिन्ह। नेक्स्ट पद कौन ना ब्राह्मणे भ्य ददाति कहीं ब्राह्मणे भ्य ददाति आरबी क्रियापद सहित तो साक्षात संबंध रोचे तेणुक ये भी हम कारक ते ब्राह्मण भ्य कौ विभक्ति अच्छी ना चतुर्थी विभक्ति अच्छी ब्राह्मणे भ्य चतुर्थी विभक्तिर कारक कौन ना संप्रदान कारक। संप्रदान कारक सूत्र कौन ना कर्मणा जत अभिप्रेतम तत्संप्रदानम कर्मणा कर्म कौन धनम अभिप्रेतम प्रदानम क्या करुची ना ब्राह्मणे भ्य ददाति कर्मणा जत अभिप्रेतम कर्म को जहाँ प्रदान करिथाए जहाँ को प्रदान करिथाए तार हम चतुर्थी विभक्ति क्या प्रदान करुची ना ब्राह्मणे भ्य ददाति ठीक अच्छे तेणुक ब्राह्मणी भी है चतुर्थी विभक्ति बा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक प्रश्न कौन हम ना के भ्य ददाति चतुर्थी विभक्ति कम सरीगला। एवं जीवा नेक्स्ट पद कौन ना कोसात ददाति एकोसात आरबी साक्षात संबंध रही क्रियापद सहित ये भी हम कारक ते कोसाते आर विभक्ति कौन ना पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्तिर कारक कौन ना उपादान कारक। उपादान कारक उपादान कारकर सूत्र कौन ना ध्रुवम उपाय उपादानम माने कौन गोटे जिनस स्थिर अच्छी ताकि जहाँ बाहर माने से जो स्थिर जिनसर कौन हम पंचमी विभक्ति हम ठीक अच्छे आम कहींपर जे गंगा कौटू बाहर ना हिमालयात गंगा प्रवहती माने हिमालय कौन स्थिर तेणुक हिमालय ही पंचम विभक्ति है ये धन कौठ आणला ना कोसात कोश ही स्थिर ट्रेजरी स्थिर सेठू धन आणिक दौची ना तेणुक स्थिर जी कोश तार ही पंचमी विभक्ति है कोसात एकोसात पंचमी विभक्ति आसला उपादान कारक तेणुक उपादान कारक प्रश्न कौन हम कस्मात बा कुतः ददाति कस्मात ददाति अथवा कुतः ददाति पंचमी विभक्ति प्रश्न ये बुझेला। तापर नेक्स्ट वार्ड कौन ना राजप्रासादे ददाति ये पदर भी क्रिया क्रियापद सहित तो साक्षात संबंध रोचे तेणुक ये भी हम कारक ये जो राजप्रासादे ये कौ विभक्ति अच्छी ना सप्तमी विभक्ति अच्छे कौन राजप्रासादे राजप्रासादे कौटे ना सप्तमी विभक्तिर कारक कौन ना अधिकरण कारक। अधिकरण कारकर सूत्र कौन ना आधार अधिकरण आधार मुझे मम हस्ते लिखनी अस्ति माने कौन लिखनी कौटे अच्छी ना मो हाथ रे अच्छी हाथ ही हम आधार तेणुक मम हस्ते अच्छी अस्ति मुझे हस्ते माने कौन हस्त शब्दर कौन सप्तमी विभक्ति जोटा आधार तहार ही सप्तमी विभक्ति हम तेणुक ये ब्राह्मण को कौट दान कर राजप्रासादे दान कर तेणु कार प्रश्न कौन हम ना कुत्र ददाति होया दी गिव कुत्र ददाति ना राजप्रासाद ददाति देख ल ये होगा गोटे वाक्य छट जाक कारक हो गले कौन कहना प्रथम अभिव्यक्ति द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी देख षष्ठी विभक्ति के ना दशरथ सिंह ददाति षष्ठी विभक्ति साक्षात संबंध नु ये कारक गणाला ना अंतिम संबोधन संबोधन तो प्रथम अभिव्यक्ति आसो आम कहे संबोधन चैती सूत्रण ठीक अच्छे एथर आमको कौन शिक्षा मिलला ना कारकर डेफिनेशन कौन कहला ना क्रियान्वयितम कारकत्व अर्थात वाक्य क्रियापद सहित जो पद मानकर साक्षात संबंध थाए कारक कहुए जो भाई आम देखले गोटे क्रियापद ददाती कितु जो पद मानकर साक्षात संबंध था से कारक गणागले ये दशरथ सिंह आर साक्षात संबंध नए षष्ठी विभक्ति संबंध रे गला कारक रे गला ना। तापर नेक्स्ट कौन ना प्रश्न मध्यम आम कारक को चिन्ह पार भी जान ले संस्कृत प्रश्न करवाक सात प्रकार प्रश्न होता है सप्त ककार कहा जाए सप्त ककार कौन ना किम कुत्र कति कदा कुथ कथम किम अर्थम आम जो इंग्लीश कहते डब्ल्यूएच वार्ड से संस्कृत कौन ना सप्त ककार माने क्वेश्चन वार्ड सातटा सबूक कि आरंभ हो सप्त ककार कहुए कौन ना किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किम अर्थम ठीक अच्छे लगुच आप
ये कारकर परिचय उदाहरण सहित भल भाव बुझीपारी ए भिडियो को शेष पर्यंत देखिथ्वर आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।